हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। सुंदर से रात्रि के समय पिता परमेश्वर, इस सुंदर से शाम के लिए आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। खुदावन, आपने हमें जीवन दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी मसीह भाई बहन परमेश्वर आपसे प्रेम करने वाले हैं पिता, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करने के लिए आए हुए हैं पिता परमेश्वर, उनको कभी निराश मत करना, उनको खाली हाथ मत जाने देना, क्योंकि पिता आपके जीवन में आपको बरकत देने जा रहा है पिता, यीशु नाज़री के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। सभी लोग मेरे प्रिय भाई बहनों मिलकर के परमेश्वर को आदर के साथ महिमा के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करिए, खुदावंद को धन्यवाद करिए। सभी लोग मिलकर के बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय, क्योंकि परमेश्वर हमेशा विजय है और परमेश्वर हमेशा अनंत काल तक है, वो हमें जीवन आशीष देने वाला यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, प्रभु आपकी स्तुति हो कि खुदावंद आपके जीवन में आज काम करने के लिए उपस्थित है, और हर एक मसीह भाई में इस प्रार्थना को और वचन को बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आपको ग्रहण करना है, क्योंकि खुदावंद आपको हर पल हर मुसीबत से, हर के कमियों से बचाने वाला वो खुदा है, वो आपको बरकत देने वाला है, वो आपको आशीष देने वाला है। यदि आप परमेश्वर के प्रति प्रेम कर रखते हैं, प्यार करते हैं, तो खुदावंद आपकी जिंदगी को ढेरों बरकत और आपको आशीष देने जा रहा है। इसीलिए कभी भी घबराना नहीं, कभी भी चिंतित मत होना, क्योंकि खुदा आपके बच्चों को, आपके घर को, आपके परिवार को, आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं खुदा देखने वाला है, वो सुनने वाला है, वो आपको जीवन देने वाला है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए मेरे प्रियो, पहले आइए देखते हैं वचन को, उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं हमेशा की तरह, और परमेश्वर आपकी जिंदगी में ढेर सारी गवाहियां देने जा रहा है, ढेर सारी बरकतें आपको जीवन में देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए परमेश्वर के वचन को जब हम देखते हैं, लिखा है, उस रात की अभिलाषा ना कर जिसमें देश देश के लोग अपने अपने स्थान से मिट जाते हैं। आज हमें किसी भी चीज की अभिलाषा नहीं रखनी अपने अंदर, मतलब ऐसी चीजें जो हमारे अंदर से हट करके बाहर की हो बातें, इससे बाहर की बातें हों, वो हमें कभी किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं रखना है। यदि हमको परमेश्वर से प्रेम करना है, प्यार करना है, तो उससे प्रेम करिए, उसके वचन से प्रेम करिए, और अपने समाज के लोगों से प्रेम रखिए, क्योंकि खुदावंद यही कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, चौकस रह, अनर्थ काम की ओर मत फिर, तूने तो दुख से अधिक इसी को चुन लिया है। परमेश्वर का वचन यह कहता है कि आज जो अनर्थ काम रहे, जो होते हैं हमारे जीवन में, हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में होते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा परमेश्वर के प्रेम करने वाला हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे कोई ना कोई गलतियां जरूर हो जाती हैं, लेकिन हमें उसको कम से कम ला करके बहुत कम करना है उन गलतियों को। इसीलिए हर एक मसीह भाई बहन, चाहे आप नए हैं, चाहे आप पुराने हैं, आप बहुत दिन से मसीह में बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, आपके जीवन में गवाहियाँ नहीं होती हैं, लेकिन खुदा आपको गवाही देगा, बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ देगा। जो भी आपके जीवन में बीमारी है, दुख है, चिंताएं हैं, मुसीबत है, आपके घर में, आपके माता पिता भाई बहनों के और हस्बैंड और वाइफ के बीच में अनेकों प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, वो आपके आपके परिवार पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने परिवार का माहौल बना के रखते हैं, और कैसे परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, और खुदावंद आपकी जिंदगी को छुएगा। इसीलिए अपने मन की बातों को परमेश्वर को बताइए, अपने मन की हर एक बातों को, हर एक दुख को, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स को, हर प्रकार की चिंताओं को आपको बताना होगा। तो इन बातों से आप सहमत होंगे, आप परमेश्वर से बताइए अपने मन की, अपने घर की बातें, अपने हर एक विचार बताइए, क्योंकि आज यदि आप खुल करके नहीं बोलेंगे तो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग नहीं करेगा, आपको आशीषित नहीं करेगा, आपके बच्चों को बरकत नहीं देगा, अपने आपके बच्चों को बड़ी ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा वो परमेश्वर। यदि अपने मन के दिल, अपने मन को यदि साफ रखते हैं, किसी भी प्रकार का कोई बोझ नहीं रखते अपने मन में, तो परमेश्वर आपको बिल्कुल भी ब्लेसिंग करेगा, बहुत ढेर सारी बरकतें आपको देगा। जो भी आप काम करेंगे उसमें परमेश्वर आपको सफलता देगा, आपको आशीषित करेगा, आपकी मदद करेगा परमेश्वर। इसीलिए आपको हमेशा धैर्य रखना है, विश्वास रखना है, क्योंकि परमेश्वर ने यही कहा है, देख परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से बड़े बड़े काम करता है, उसके समान शिक्षक कौन है। आज हम देखते हैं परमेश्वर से सामर्थ भरा और कोई नहीं है, क्योंकि वही
राजा है वही हमारा सब कुछ है। इसीलिए वो परमेश्वर जो हमारा है वो सबसे बड़ा सामर्थ्य है और वही हर एक काम को करता है और उसके समान और कोई शिक्षक नहीं है। इस बात को कभी भी इनकार मत करिएगा, उससे बड़ा शिक्षक हमारे जीवन में और कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि वो हमें ज्ञान देता है, बुद्धि देता है, दुख से, तकलीफ से, मुसीबतों से, अनेक प्रकार की चिंताओं से, अनेक प्रकार की समस्याओं से, सिर्फ वही बचाने वाला खुदा है। तो आप उस पर बिलीव करिए, क्योंकि उससे बड़ा ना ही कोई शिक्षक है, ना ही कोई उससे बड़ा परमेश्वर, यानी हमारा परमेश्वर वो भगवान जिसे हम कहते हैं, उससे बड़ा और कोई नहीं हो सकता है। वही खुदावंद है, उसने हमें जीवन दिया है, ना ही उससे बड़ा कोई सामर्थ हो सकता है जिसके पास सामर्थ है, और ना ही उससे बड़ा कोई शिक्षक हो सकता है, ना ही उससे बड़ा ज्ञानवान कोई हो सकता है। इसीलिए अपने मन में जो भी वहम है उसको बाहर निकालिए, क्योंकि वही सामर्थ्य परमेश्वर है, वही शिक्षक है, उससे बड़ा और कोई हमारे संसार में, इस पृथ्वी पर या फिर स्वर्ग में नहीं हो सकता है। सिर्फ एक है परमेश्वर। इसीलिए याद रखना, परमेश्वर ने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ से हमेशा परिपूर्ण किया है। इसीलिए अपने बच्चे के जीवन में बुद्धि और शिक्षक से अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर के आप चिंतित हैं, परेशान हैं, तो आप परमेश्वर से कहिए कि खुदावन, मैं जानता हूं कि आप परमेश्वर हैं, आप सृष्टि के कर्ता, धर्ता, उद्धार करता, जीवन देने वाले, सब मनुष्यों की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इसीलिए मेरे बच्चों के जीवन में उनके पास इच्छा नहीं है, बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो आप इस तरीके से परमेश्वर से कहें, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में आपके बच्चों को, आपके घर को, आपको संभालेगा। इसलिए परमेश्वर से कभी भी अपने मन की बातों को मत छुपाना, क्योंकि वो हर एक गुनाहों को, हर एक अपराधों को, हर एक बातों को सुनने वाला वही होता है। जैसे आप एक पिता की बातों को, जैसे आपके फादर से आपके माता पिता हैं, अपने मन की बातों को यदि उनसे आप शेयर करते हैं, तो आपके माता पिता ये नहीं कहते कि बेटा ठीक है, मैं इन बातों से बहुत नाराज हूँ, चलिए ठीक है जो आपने किया उसको ठीक है करते हैं, लेकिन दोबारा गलती मत करना, मैं इस बातों को समझता हूँ। इसीलिए जैसे पिता आपका सपोर्ट करता है इस सृष्टि में, संसार में, मानव जाति के बीच में रह करके, उसी तरीके वो तो जीवन देने वाला है, वो तो आशीष देने वाला है, वो तो हमें संभालने वाला है, उसने हमें श्वासें दी हैं हर पल, हर समय, हर घड़ी, तो वो क्या हमारे गुनाहों को, अपराधों को नहीं क्षमा कर सकता है? जब हमारे माता पिता संसारिक होकर के वो क्षमा कर सकते हैं, वो तो सृष्टि का उद्धार करता है, जीवन का, हर एक मनुष्य का, जितने भी आज पृथ्वी पर आप देख रहे हैं, सबका कर्ता धर्ता उद्धार करता है, तो वो क्या आपके अपराधों को, गुनाहों को नहीं क्षमा करेगा? इसीलिए अपने मन की बातों को हमेशा शेयर करना परमेश्वर से। इसीलिए अपने मन की बातों को खोल करके कहना कि खुदा मुझे ये चाहिए, मुझे आपसे चाहिए। जैसे आप अपने माता पिता से ये जिद करते हैं कि नहीं पिता, पिताजी मुझे ये चाहिए, या भी आप किसी भी भाषा में आप बोलते हैं मुझे ये चाहिए, तो आपके पिता ये कहते हैं कि ठीक है बेटा, मैं आपको दूंगा। लेकिन उसी तरीके वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, क्योंकि जैसे आपका, जैसे आपके माता पिता होते हैं, आप बहुत छोटे हैं और आपकी वो इच्छा पूरी करना तो चाहते हैं, लेकिन आप उस योग्य नहीं हैं, तो आपका पिता कभी आपको नहीं देगा, क्योंकि आप उस योग्य पहले बनिए। इसीलिए हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी इन बातों से एग्री करना चाहिए, सहमत होना चाहिए, कभी भी आक्रोश में आकर के, आवेश को खो करके, कभी इन बातों को हमें गलत या नाजायज फायदा कभी भी नहीं उठाना चाहिए। चाहे वो आपके माता पिता हों, आपके आस पड़ोस हों, चाहे वो परमेश्वर से प्रेम करने वाले मेरे प्रिय, मेरे भाई और बहन हों, कोई भी हो, आज आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, हताश नहीं होना है, निराशा का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, यदि इन बातों को आप सहमत हैं तो। परमेश्वर आपके बच्चों को संभालने वाला है इस सुंदर से समय के लिए, जो आप जितने मसीह भाई बहन जुड़ रहे हैं, सभी मसीह भाई बहनों से मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस वचन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और लोग जुड़ें, और लोग परमेश्वर के वचन से प्रेम करें, प्यार करें, और इस कलीसिया को आपको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको बरकत दे, आपको आशीष दे। इसीलिए परमेश्वर ने यह भी कहा है, उसके कामों की महिमा और प्रशंसा करना स्मरण। क्या कहा परमेश्वर ने यहाँ पे?
जिसकी प्रशंसा का गीत मनुष्य गाते चले आए हैं। आज हमें क्या करना है? परमेश्वर की प्रशंसा करना है। क्यों? क्योंकि वो हमारा पिता है। क्यों? आप कहेंगे प्रशंसा क्यों करना है, उसकी महिमा क्यों करना है? क्योंकि वो हमें जीवन देने वाला है, हमें आशीष देने वाला है, हमारे घर को, हमारे बच्चों को, सभी को संभालने वाला वही है। जब वो हमारा सब कुछ है तो हम उसकी प्रशंसा क्यों ना करें। बहुत मसीह भाई बहन हैं आज वो परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर की बातों को लोगों तक शेयर करते हैं, बताते हैं। तो आज बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, आपको धैर्य रखना है, आपको विश्वास रखना है, क्योंकि खुदा आपके बच्चों को, आपको बहुत ढेर सारी बरकतें, आपको आशीष देने जा रहा है। इसीलिए बिल्कुल भी चिंता मत करना, उसकी प्रशंसा करना, उसकी महिमा करना, उसके कामों को हमेशा स्मरण रखना। स्मरण रखने का मतलब ये होता है कि याद रखना अपने जीवन में कि परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, आपको सांसें दी हैं, आपके जीवन में जो भी कार्य रहे हैं परमेश्वर उसमें आपकी मदद करेगा, ये कहता है परमेश्वर। इसीलिए बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। तो मेरे प्रियो, आइए चलते हैं। सभी लोग से निवेदन है और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करना। आपने यहां तक वचन को तो सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। लेकिन बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं कि जो प्रार्थना को ग्रहण करना ही नहीं चाहते, सुनना ही नहीं चाहते। क्यों? आखिर ऐसा क्यों है? आप परमेश्वर को समय नहीं दे सकते हैं तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कैसे समय देगा? परमेश्वर तो यही देखता है कि आपका दिल कैसा है, आपका मन कैसा है, आपकी सोच कैसी है, आपकी मेंटलिटी कैसी है, तो ये परमेश्वर आपके देखता है। यदि परमेश्वर ये कहता है कि ठीक है मेरे बेटे, मैं तुझे आशीषित करूँगा, आपको बरकत दूंगा। यदि एक सांसारिक बात से आप समझ लीजिए, जैसे आपका पिता है, आप दो भाई हैं, आपका पिता कहता है, एक उसमें अच्छा लड़का होता है, एक गलत कार्य करता है, जो पिता की बातों को इग्नोर कर देता, नहीं सुनता है, तो पिता किससे प्रेम करेगा? आप इस अच्छी तरीके से समझते हैं, जो अच्छा लड़का होगा, जो पिता की बातों से सहमत होगा, मानेगा, उससे प्रेम करेगा, तो पिता भी आपसे प्रेम करेगा। और जो बुरा लड़का है, पिता की बातों को अनसुना कर देता है, इग्नोर कर देता है, उनकी बातों को नहीं सुनता है, तो परमेश्वर का ये भी कहता है, जब तुम मेरी बातों को नहीं सुनते हो तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कैसे काम कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, परमेश्वर इतना दयालु है, इतना परमेश्वर महिमावान है कि परमेश्वर आपके घर में हमेशा बरकत देता है, आपको आशीष रखता है। कितने भी बड़े गलत आप काम कर लें, लेकिन परमेश्वर आपको सुधरने का मौका देता है। इसीलिए मेरे प्रियो, आप धैर्य रखना, विश्वास रखना, इस प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करना। धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद, आपने हमें सांसें दी, आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों को, सभी को सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आज आपके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको ढेर सारा आशीष देने जा रहा है, यीशु नासरी के नाम से। आज के जीवन में, आज आपके जीवन में हर एक प्रकार की चंगाई को परमेश्वर देने जा रहा है, हर प्रकार के शोक के दिन आपके जीवन से जाने वाले, यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। खुदावंद, आप तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आप तो अपने बेटे और बेटियों से प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी प्रार्थना को आप रिसीव करेंगे और उनकी प्रार्थना को आप स्वीकार करेंगे पिता, क्योंकि आपके बच्चे, आपके बेटे इस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर, उनको संभालने वाले आप है पिता परमेश्वर। हर एक मसीह भाई बहन जो यदि आज बीमार है पिता परमेश्वर, उसके जीवन में अपने स्वर्गदूतों को भेजिए और आज्ञा दीजिए पिता परमेश्वर, कहीं भी किसी भी स्थान में हो पिता परमेश्वर, उनको छुए पिता परमेश्वर। जिनके मन में पिता परमेश्वर आज वो दुख है, मुसीबत है, चिंताएं हैं, हे परमपिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि हमारे जीवन में अनेक प्रकार के भय छाए हुए हैं, अनेक प्रकार की अशांति हमारे जीवन में है, दुख है, परेशानी है, अंधकार का, आज हमारे जीवन से आप दूर करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, खुदा आपके साथ है। इस प्रार्थना को रिसीव करिए, खुदा आपके जीवन में ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा, आपको परमेश्वर ब्लेसिंग करने जा रहा, आपको आशीष देने जा रहा है। वो परमपिता परमेश्वर जिसने धरती, आकाश और पृथ्वी की रचना की है, जिसने मनुष्यों को इतना प्यारा बनाया है और मनुष्यों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया है, इससे बड़ी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। धन्यवाद करिए,
हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति व आपकी महिमा करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार के क्लेश, हर प्रकार की मुसीबतें, हर प्रकार की चिंताएं इनके जीवन से जाने पाए यीशु नासरी के नाम से। आज हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं जो भी इस प्रार्थना को रिसीव कर रहा है यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आज अपने बच्चों को छूने वाले हैं, उनको ब्लेसिंग करने वाले हैं, उन्हें आशीष देने वाले हैं। जितने भी बेटे और आपकी बेटियां हैं पिता परमेश्वर, इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं। आपने उन्हें जीवन दिया, आपने उन्हें श्वासें दी, आप उनको सुरक्षित रखा। हर पल हर समय हर घड़ी संभालने वाले जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर आप हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ खुदावन। हे हमारे पिता परमेश्वर, आज मेरे जीवन में आप सुख और आनंद और आनंद की ज्योति जलाने वाले हैं पिता परमेश्वर। और मैं विश्वास करता हूँ कि पिता हर प्रकार के आत्मा जो मेरे है पिता परमेश्वर अंदर, या फिर किसी मसीह भाई बहन के जीवन में दुष्ट आत्मा हो, गूंगी बहरी अनेक प्रकार की आत्माएं हो पिता परमेश्वर, वो सब आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। जो आपकी शैतानी ताकत जो आपके जीवन में, वो जो अनेक प्रकार की जो आत्माएं होती हैं, आज वो यीशु आपके घर से निकालने वाला है, वो परमेश्वर आपके घर से दूर करने वाला है। जो आपके काम नहीं बन पड़ते हैं, जो आपके काम नहीं चलते हैं, जो आपके बिजनेस नहीं चलता है, उसमें वो शैतानी ताकत को आज दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति व आपकी महिमा करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, कि आप हमारे जीवन में सुख और शांति दीजिए पिता परमेश्वर, और ज्योति को जलाइए पिता परमेश्वर। और मन में जो भी किसी प्रकार का निगेटिव विचार है, नकारात्मक विचार है पिता परमेश्वर, आज उसको पवित्र आत्मा के द्वारा आप प्रदान करेंगे यीशु नासरी के नाम से। हे परम पिता परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि मेरे जीवन में आप सुख शांति और मुझे स्वस्थ रखेंगे, मेरे बच्चों को, मेरे घर को, मेरे परिवार को हर तरीके से आप संभालने वाला जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए आज मुझे और समृद्ध प्रदान करें पिता परमेश्वर, ताकि हे ईश्वर, मैं आपके सामने प्रार्थना कर सकूं, आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर सके पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि पिता परमेश्वर मुझे प्रार्थना की शक्ति पर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने मेरे जीवन को छुआ है, आपने मुझे चुना है, मैं आपका बेटा और बेटी हूँ पिता परमेश्वर। आज इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं पिता परमेश्वर, जितने भी आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर, उनके हृदय में अनेक प्रकार की जो भी नकारात्मक निगेटिव सोच है पिता परमेश्वर, उसको विश्वास में बदल दीजिए यीशु नासरी के नाम से। आज उनके हर प्रकार के नकारात्मक विचार और सब को दूर कीजिए, तमाम प्रकार के क्लेश और दुख मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से। आज खुदा आपको छूने के लिए है, आपको ब्लेसिंग करने के लिए है, आपके द्वार पे खड़ा है परमेश्वर, उसका स्वागत करिए, क्योंकि परमेश्वर आपके दिल में है, आपके जहनों में है, आपके दिमाग में है। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आज पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंग है पिता परमेश्वर, आज उनको जलाने वाले आप है पिता परमेश्वर, उनको ठीक करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उनकी बेटों की रक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर, हर एक छोटे और बड़े भाई और बहनों को, सभी को लेकर के पिता हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े। जिन लोगों तक ये आवाज़ पहुँच रही है पिता परमेश्वर, जिन लोगों तक ये प्रार्थना पहुँच रही है, उनके जीवन की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। आज तमाम प्रकार के क्लेश हैं उनके जीवन में, उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता पवित्र आत्मा के द्वारा हम धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हर प्रकार की शैतानी ताकत, तमाम प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं उनके जीवन में, काम में समस्याएं हैं, आज वो निर्बल हो चुके हैं, किसी प्रकार का भी उनका काम नहीं सफल होता है, आज वो बड़े परेशानियों का सामना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन को आप छूने वाले हैं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। आज उनके जीवन में पिता परमेश्वर अनेक प्रकार के चमत्कार को करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। मैं जानता हूँ कि आज उन्हें हर प्रकार के असाध्य रोग से और अंतकारी रोग से पिता पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर, आज उनके हर प्रकार की बीमारियों को आप झुलसाने वाले यीशु नासरी के नाम से, झुलसाने वाले यीशु नासरी के नाम से। आज उनके जीवन में आप ज्योति चमकाएंगे यीशु नासरी के नाम से। आज उनके जीवन की देखरेख करने वाले पिता आप है पिता परमेश्वर, उनको हर एक प्रकार की महामारियों से, हर
प्रकार के क्लेश से उन्हें जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की तमाम प्रकार की बीमारियां जो उनके जीवन में है यीशु नासरी के नाम से, हर एक अंग को जहां पे दर्द है, जहां पर दुख है, जहां पे तकलीफ है, जहां पर किसी भी प्रकार की समस्या यीशु नासरी के नाम से आज वो आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं कि आपके जीवन की हर एक प्रकार की समस्याएं जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। आज हर प्रकार की उलझन है, घबराहट है, काम को लेकर के घर में चिंता है, बेटियों को लेकर के चिंता है, आज बहुत सारी समस्याओं को लेकर के वो घबराए हुए हैं, आज वो डरे हुए हैं, आज वो भयभीत हैं, आज वो चिंतित हैं, आज परमेश्वर उनकी प्रार्थना को आप पूरा सुनेंगे पिता परमेश्वर, क्योंकि आज इस प्रार्थना के द्वारा पिता उनके जीवन में उनको ब्लेसिंग मिले, उन्हें आशीष मिले, उन्हें उत्तर मिले पिता परमेश्वर, क्योंकि आज मेरी प्रार्थना में जो मेरी जिंदगी में पिता आपने किया है उसकी मैं गवाही देता हूँ कि पिता परमेश्वर आपने मुझे समय दिया है, आपने मेरी प्रार्थना को सुना है, मेरी प्रार्थना को रिसीव किया यीशु नासरी के नाम से। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। याद रखिए कि परमेश्वर आपके बेटे और बेटियों को हमेशा संभाल के रखेगा, एक वो परम पिता परमेश्वर है, वो आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा, आपकी प्रार्थनाओं को वो सुनने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जितने भी आज आप दुखित हैं, चिंतित हैं, मुश्किल घड़ी में आज पड़े हुए हैं, आज परमेश्वर आपको सामर्थ्य देने जा रहा है, इतना आपको अंदर से मजबूत करने जा रहा है परमेश्वर कि आपके जीवन की हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से जाने वाली हैं, हर प्रकार की रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली है, आपके जीवन में आनंद आने वाली है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू मुझसे प्रार्थना करता है तो मैं तेरी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा, मैं तेरी हर एक प्रकार की चिंताओं को मिटाऊंगा, हर प्रकार के दुख और मुश्किल की घड़ी को मैं, जो आप घबराहट को महसूस कर रहे हैं, उलझन को महसूस कर रहे हैं, जितने भी मसीह भाई बहन इसमें प्रॉब्लम्स में हैं, अनेक प्रकार की फिजिकली और मेंटली तनाव में ही सुनासरी के नाम से, आज फिजिकली पिता परमेश्वर कमजोर हो चुके हैं, शारीरिक रूप से पिता परमेश्वर और मेंटली पिता परमेश्वर, मानसिक रूप से आज उनके जीवन में बहुत ज्यादा तनाव है, बहुत ज्यादा चिंताएं हैं सुनासरी के नाम से। जितनी भी बेटी और बेटियों की आंख से आंसू निकलते हैं पिता, आज उसे देखने वाले आप है पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें आप ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाले आप है पिता परमेश्वर, उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप है पिता, उनके बच्चों की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर, क्योंकि हम सब कुछ आपके नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा हम पिता परमेश्वर छोड़ पिता परमेश्वर कि आप हमारे बच्चों की देखरेख करेंगे, हमारे बिजनेस के, हमारे जॉब के, हमारे हर एक का कामों में पिता आप आशीष देंगे, हर प्रकार के जो भी हम काम करते हैं पिता उसमें आप हमें बरकत देने वाले हैं, हमें आशीष देने वाले हैं। धन्यवाद करते हैं आपको, सारी महिमा देते हैं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि मुझे आप इतनी सामर्थ देते हैं कि मैं हर एक दुख से सह सकता हूं और लड़ सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर आप मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाले मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों बिल्कुल भी घबराना नहीं, खुदा आपके साथ है, परमेश्वर का वचन आपके साथ है, परमेश्वर आपको अंदर से मजबूत करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, सत्कलम 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 सत्कलम, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से जाने वाली है, सारी मुश्किलें, सारी दुखें, सारी परेशानियां आपके जीवन से आजाद होने जा रही यीशु नासरी के नाम से। आपकी हर कृपा को परमेश्वर आपकी आसानी से, हर मुश्किल से, हर घड़ी में आप लड़ सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर आपको सामर्थ्य देने वाला है। परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन से, मेरे जीवन में आपने प्रेम दिया, शांति दी और आनंद से मुझे भर दे पिता परमेश्वर, और मेरा हृदय कोमल कर दे पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं आपका सर्वदा धन्यवाद करता रहूंगा, और विश्वास से मुझे भर दे पिता परमेश्वर, मुझे अपने जो भी जाने अनजाने मुझसे गलतियां हुई हैं पिता, आप उसे क्षमा करने वाले आप है पिता परमेश्वर, मेरी गलतियों को क्षमा करें पिता परमेश्वर, जो भी मुझसे जाने या फिर अनजाने में गलतियां हो गई हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो महान है पिता परमेश्वर, आप दयालु हैं पिता परमेश्वर, आप तो हर एक अपराधों और गुनाहों को क्षमा करने वाले हैं पिता परमेश्वर। जितने भी बेटे आपकी बेटियां इस समय अपराध और गुनाह को मानते हैं कि पिता परमेश्वर मैंने किया है, आज उनके अपराधों को और गुनाहों को आप क्षमा करने वाले पिता हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से, कि हे पवित्र आत्मा जो आपने मुझे दिया है, हे परमेश्वर जो आपने मेरे घर को संभाला है, चारों ओर बाड़ा बांध के रखा हुआ पिता परमेश्वर, मेरे घर की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर, मुझे जीवन और श्वास देने वाले पिता आप हैं, मेरे दुख और सुख में पिता परमेश्वर आप मेरी मदद करते हैं, मेरी सुधि लेते हैं पिता परमेश्वर। जैसे पिता आपने हर प्रकार से लोगों से प्रेम किया और चंगा किया, अनेक प्रकार के लोगों को ठीक किया पिता परमेश्वर, वैसे ही मेरे जीवन में मेरे बेटे और बेटियों को पिता परमेश्वर, मेरे बेटियों के जीवन को आप
छुएंगे पिता परमेश्वर और उन्हें अच्छे कार्य देंगे, उन्हें अच्छा विज्ञान और बुद्धि और समझ, हर प्रकार की प्रॉब्लम से आप उन्हें बचाने वाले हैं पिता परमेश्वर। आज वो किसी भी हालात में हो पिता परमेश्वर, आप उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर आपने अनेक प्रकार के मुर्दों को जीवित किया, अनेक प्रकार की समस्याओं को आपने ठीक किया है, अनेक प्रकार के गवाहियों को आपने दिया है जीवन में पिता परमेश्वर। इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि मेरे जीवन में भी गवाहियां हैं बड़ी बड़ी पिता परमेश्वर, और मैं भी अपनी गवाही को शेयर कर सकूं पिता परमेश्वर, और मुझे इतनी सामर्थ्य पिता परमेश्वर कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे बच्चों को आप संभालने वाले हैं, मेरे बिजनेस को, मेरे घर को मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाले हैं, और मुझे इतना ज्ञान दे कि मैं आपके वचन को सीख सकूं, पढ़ सकूं पिता परमेश्वर को, समझ सकूं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से। आज हर प्रकार की समस्याओं से परमपिता परमेश्वर आपको बचाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आपके परिवार में सुख शांति देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। चिंता मत करिए, भरोसा रखिए, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जीवित किया था तो आज आपकी जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेगा। आज विश्वास रखिए, परमेश्वर आपको नया जीवन दिया है, परमेश्वर ने आपको नया मार्ग दिया है, एक नई उम्मीद दी है आपके बच्चे के जीवन में, आपके जीवन में, आपके घर में, आपके बेटे और बेटियों को परमेश्वर ने ब्लेसिंग की है। आज वो हर प्रकार की समस्याओं से आपको बचाने वाला वो जिंदा जीवित हुआ परमेश्वर है। आज आपके घर की देखरेख करने वाला है, आपके चारों घर के चारों ओर परमेश्वर ने बाड़ा बांध के रखा है, जैसे परमेश्वर ने बहुत मसीह भाई बहनों के जीवन में बाड़ा बांध के रखा है कि शैतानी ताकत आपके घर तक आ तो सकती है लेकिन उससे पास नहीं कर सकती है, उसे क्रॉस कर नहीं कर सकती है। इसीलिए खुदा आपके जीवन में ब्लेसिंग करनेगा, आपको आशीष देगा, आपकी घर की रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। केवल हमें विश्वास चाहिए, आज खुदा से हम प्रार्थना करते, केवल हमारा विश्वास मजबूत होगा तो हमारी हर प्रकार की घबराहट, हर प्रकार की उलझन, हर प्रकार की प्रॉब्लम हमें दूर करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यकीन रखना, उस खुदा पर विश्वास रखना कि आज पिता आपके जीवन में सुख शांति देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि पिता आप मेरे संग हैं, आपको मैं धन्यवाद करता हूँ खुदा यीशु नासरी के नाम से। हम उस स्वर्गदूतों को पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हैं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आप अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं, आप उनके घर में हर एक मसीह भाई बहन जन्म में जहाँ भी ये प्रार्थना होती है पिता, अपने स्वर्गदूत वहाँ पे उपस्थित होते हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। पिता आपके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, अनेक प्रकार के आपके जीवन में चमत्कार होंगे। हमें केवल संपूर्ण मन से इस प्रार्थना को विश्वास रखना है क्योंकि आज हमें परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करेगा, हमारी हर प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है यीशु नासरी के नाम से। इसलिए हम धन्यवाद करते यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। आज्ञा दीजिए आपकी जीवन की हर प्रकार की चिंताओं को लेकर, हर प्रकार के सवालों को लेकर के, हर प्रकार के जवाब को लेकर के यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए, वो आपको देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज को परमेश्वर आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। छू पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा इन्हें ब्लेसिंग कर, इन्हें आशीष दे, इनके घर की हर प्रकार की चिंताओं को मिटा दी सुनासरी के नाम से। पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने मुझे जवाब दिया, आपने मुझे उत्तर दिया। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।